बाना बाना सुनो सुनो मेरी बात, देखो वहाँ। नहीं बाना, ये शैतान तुम्हें दोबारा वही गलती करने पे मजबूर करेगा, उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनना। बाना, अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या तुम खुश नहीं होते हो ये काम करके? बताओ, जब लोग गिरते हैं तो तुम खुश होते हो ना? बाना, उसे कहो नहीं, दरअसल ये काम करके वो खुश होता है, ना तुम ना मैं। ओह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, किसकी सुनूं अब मैं? बाना, तुमने हमेशा मेरी बात सुनी है, जाओ दोबारा करो वो काम, जाओ अभी जाओ। नहीं बाना, तुम्हें करना होगा, जाओ करो। मत करना बाना। मुझे लगता है बाना, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यकीनन मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जैसे की थी उस छोटे इंजन ने। एक दिन क्यों भैया, आप लोग सफर का आनंद उठा रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ, हम लोग बड़े ही खुश हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या किया जाए, इतना बड़ा पहाड़ हमारे सामने है। बड़ो 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 आगे, हम सब मिलके चढ़ जाएंगे, हम भी देखें जरा क्यों नहीं चढ़ पाएंगे। ओह, मुझे नहीं लगता कि मैं अब आप लोगों को ले जा पाऊंगा। क्या मतलब है इसका, यही हमें सड़ना पड़ेगा क्यों भाई? मैं यहाँ बिल्कुल बैठ नहीं सकता, बढ़ो आगे, मुझे तो घर जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है इसके लिए। यहाँ कोई ना कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सकता है। आप सब लोग यहीं रहना, ठीक है ना? नमस्ते दादाजी, क्या आप मेरी और मेरे डब्बों को पहाड़ के उस पार ले जाने में मदद करेंगे? नहीं बेटा, मैं अब बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ और ऊपर से तुम लोग बहुत ज्यादा भी हो। मेरे तो पैर भी बुढ़ा गए हैं, देखो यहाँ। ठीक है दादाजी, मैं किसी और की मदद लेता हूँ। एक बड़ा सा इंजन दिख रहा है वहाँ। नमस्ते मामा जी, क्या आप मेरी और मेरे डब्बों को पहाड़ के उस पार ले जाने में मदद करेंगे? नहीं बिड़ो, अपुन का शिफ्ट अभी खत्म हुआ, मदद वदत अपने से नहीं हो, आप अपुन सिर्फ एक बार काम करता है बस। क्या मगर मामा, आपके पहिए ताकतवर है तो आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? अपुन ने समझाया ना, नहीं करने का मतलब नहीं, चलो पतली गली से कटने का। ठीक है गुस्सा मत हो, मैं किसी और से मदद लेता हूँ। आई चिकू, इतने उदास क्यों लग रहे हो? मैं खुद को और अपने डिब्बों को पहाड़ के दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ, मगर यहाँ मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? भुक्कू, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, हम दोनों एक ही तरह के तो इंजन हैं। तो क्या हुआ, हम दो तो है ना, दोनों मिलकर कर लेंगे क्यों? अच्छा फिर तो चलो, सलाह तो मस्त है, कोशिश करने से क्या जाता है, चलो फिर। ठीक है, मैं आगे रहता हूँ और तुम पीछे रहो। ओहो, ये क्या करेगा, ये भी है एक बच्चा, इससे भी नहीं ये हो पाएगा। ये तो और भी छोटा बच्चा है,
ये हमें कैसे खींचेगा, ये अपनी नाक खुद ही कटवाएगा। ओह मामा, चिंता मत करो, मैं और बुक्कू मिलके हम सबको पहाड़ के उस पार पहुंचा देंगे। भाई मुझे यहीं पे छोड़ दो, मुझे कहीं ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे खुश हूँ, मुझे यहीं छोड़ दो, बस बस छोड़ दो मुझे। सब मिलकर गाओ, ठीक है ना? जोर लगा के भाई साहब, दम लगा के भाई साहब, मिलजुल के भाई साहब, जोर लगा के भाई साहब, जोर लगा के भाई साहब, दम लगा के भाई साहब, मिलजुल के भाई साहब, जोर लगा के भाई साहब, जोर लगा के भाई साहब, दम लगा के भाई साहब, मिलजुल के भाई साहब, और जोर से भाई साहब, जोर जोर से भाई साहब। धन्यवाद बुक्कू, तुम्हारी वजह से हम यहाँ आ सके। मुझे तो बड़ी खुशी है, नए दोस्त भी मिल गए मुझे। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता था बड़ा काम सिर्फ बड़े लोगों से ही हो सकता है, मगर छोटे से बुक्कू से सीखा मैंने कि बड़ा काम भी छोटे लोगों से हो सकता है। शायद इसलिए कहते भी हैं, अकल बड़ी होती है भैंस से। जहाँ चाह वहाँ राह।